हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हाउ आर यू आल आई होप यू आर आल फाइन एंड डूइंग वेल इन योर होम ओके सो दिस इज़ योर फिफ्थ वीडियो दिस चैप्टर इज सो लेंथी ओके सो इसके मैंने पांच पार्ट में इसका वीडियो बनाया है एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज़ द अर्थ आवर हैविटेड दिस इज़ योर नाइंथ चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ जोग्राफी ओके सो इन द लास्ट In the previous video, we will discuss about the solar systems, uh, latitudes, longitudes, how occurs day and night, how occurs seasons. Okay, so in this video, we will discuss about uh, uh, eclipse. Okay, solar eclipse, uh, lunar ecl eclipse, and then the equinox. What is equinox and uh, and dakshayan? Okay, so uh, don't waste time. Let's start. उत्तरायण द डायरेक्ट रेज ऑफ सन विगेन टू फॉल अवर नॉर्थ दिसंबर ओके सो सन विगेन टू फॉल अवर द नॉर्थ अफेक्टर इक्वेटर नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पर जो है सन की लाइट्स जो है रेज जो है पढ़ना स्टार्ट होती है सो so, नॉर्थन uh, जो है वहाँ पर सन की लाइट्स की वजह से ऑकर्स ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर सन इंटर्स मकर राशि ऑन फोर्टीन जनवरी सो सन इंटर सन इंटर करता है कौन सी राशि में मकर राशि में सो so, इट इज काल मकर संक्रांति सो so, जब भी हमारे माइंड में उत्तरायण बर्ड आता है तो हम क्या बोलते हैं कि पतंग उड़ाएंगे है ना लेकिन इसका जो है उत्तरायण क्यों आती है क्योंकि सन जो है वो मकर राशि में इंटर करता है कब करता है फोर्टीन जनवरी में इंटर करता है सो इट इज़ कार्ड मकर संक्रांति सो अनदर नेम ऑफ उत्तरायण इज मकर संक्रांति ओके okay? आगे देखिए दक्षिणायन फ्राम द ट्वेंटी सेकेंड जून द डायरेक्ट रेज ऑफ सन शिफ्ट फ्राम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ट्वेंटी सेकेंड जून से जो आ, सन की रे आ, रेज होती है सन की जो लाइट्स होती है वो शिफ्ट करती है किस पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टावर द सल्टाइस इक्वेटर इट इज कॉल्ड तो उसको दक्षिणायन कहा जाता है ओके इकनेक्स दिस इज न्यू फॉर यू इकनोक्स ओके सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर टवाइस अ ईयर ओके जैसे कि यहाँ पर सन आता है और जहाँ पर आता है अर्थ ओके इक्वेटर जो होता है अर्थ का इक्वेटर यू नो अर्थ का जो इक्वेटर होता है जी, वो क्या करता है इंटरसेक्ट करता है इंटरसेक्ट मतलब एक एंगल बनाता है सन uh, के साथ ईच अदर इन ईयर दो बार बनाता है दिस इंटर इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इकोनेक्स इस इंटरेक्शन इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है इक्वनेक्स कहा जाता है ड्यूरिंग इकोनेक्स सन मूव टावर्ड नॉर्थन हेमिसफेयर नॉर्थन हेमिसफेयर तो यू नो दिस इज द नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड दिस एरिया इज ए साउथन हेमिसफेयर है ना नॉर्थ की साइड पे जो पड़ता है वो नॉर्थ हेमिसफेयर एंड जो साउथ के पोल वाली साइड पर एरिया पड़ता है सरफेस इज कॉल्ड साउथर्न हेमिसफेयर सो सन मूव करता है कहाँ से नॉर्थन हेमिसफेयर सो फ्राम ट्वेंटी सेकेंड मार्च लेंथ डे इंक्रीज एंड नाइट बिकम शार्ट तो ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट को क्या होता है डे एंड नाइट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन ट्वेंटी सेकेंड से मार्च के बाद क्या होता है लेंथ डे इंक्रीज मतलब दिन का दिन लंबे हो जाते हैं और नाइट बिकम शार्ट और uh, जो है नाइट है वो छोटी हो जाती है ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इज एक्सपीरियंस इन नॉर्थन हेमिसफेयर सो ऑन ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी फर्स्ट जून को सबसे लंबा दिन और छोटी रात एक्सपीरियंस की जाती है कौन से हिस्से में नॉर्थन हेमिसफेयर में एज द सन मूव स्टावर द साउथन हेमिसफेयर जब सन क्या करता है साउथन हेमिसफेयर में मूव करता है फ्रॉम ट्वेंटी फोर्थ सेप्टंबर तो लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट इंक्रीज तो जो लेंथ ऑफ द डे है वो क्या होना शुरू हो जाती है इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है एंड द नाइट बिकम शॉर्टर और नाइट जो है वो छोटी हो जाती है ओके सो ऑन द ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर डे आर लॉन्गेस्ट एंड नाइट्स आर शॉर्टेस्ट इन साउथन हेमिस्फीयर तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है डे जो लंबे हो जाते हैं और नाइट शॉर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च एंड ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर सन रेज फॉल स्ट्रेट ऑन इक्वेटर तो सन लाइट्स जो है वो स्ट्रेट पड़ती है किस पर इक्वेटर को इक्वेटर पर तो बिकॉज ऑफ इच नाइट एंड डेज आर इसीलिए ट्वेंटी फर्स्ट मार्च एंड ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर में क्या होता है नाइट्स एंड डेज आर इक्वल मतलब दिन और रात क्या होते हैं एक जैसे होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड इकोनोक्सिसके उसे कहा जाता है इकोनॉक्सिस सो so, आप मतलब देखते हैं इन द समर सीजन द डेज आर लेंथी दिन क्या हो जाते हैं लंबे होते हैं और रात छोटी होती है और इन दिनटर सीजन वी एक्सपीरियंस दिन क्या हो जाता है छोटा हो जाता है और रात क्या हो जाती है वो बड़ी हो जाती है ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज लीप ईयर लीप ईयर सिंस वन ईयर ऑफ द अर्थ इज डेज एंड अर्थ इज थ्री सिक्सटी डेज एंड सिक्स आवर्स ओके सो जो एक ईयर uh, जो अर्थ अपने रोटेशन uh, मतलब रिवोल्यूशन करती है किसके अराउंड में सन के अराउंड में उसको कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लगाती है थ्री हंड्रेड सिक्सटी डेज एंड सिक्स आवर ठीक है सिक्स आवर्स लगाती है लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं वन ईयर इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी फाइव डेज ओके ना हम वन ईयर में क्या बोलते हैं ऐसे तो नहीं कहते ना थ्री थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड सिक्स आवर वट इज़ इट इट इज़ डिफ़िकल्टी टू कैलकुलेट वन आवर ऑफ द डे सो वी काउंट एयर एज ए थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन ऑर्डर टू कंपेसेट रिमेनिंग सिक्स आवर तो सिक्स आवर हमेशा बच जाते हैं ओके छस आवर बचते हैं लेकिन जब सिक्स आवर फोर ईयर्स के लिए बचते हैं मतलब ऐसे कि वन ईयर में सिक्स आवर बचता है सेकेंड ईयर में फिर वन फिर सिक्स ईयर थर्ड ईयर में फिर सिक्स ईयर सिक्स आवर्स ओके एंड फोर्थ में फिर सिक्स आवर ओके तो जब ये सिक्स आवर्स फोर टाइम जो है रिमेनिंग uh, रहता है तो फिर हम सिक्स फोर से कितना होता है ट्वेंटी फोर ओके कितना आता है ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर इज कंसिडर्ड वन डे तो ट्वेंटी फोर को हम क्या कंसिडर करते हैं वन डे इस पर कि एक दिन मानते हैं उसको है ना तो इससे क्या हो जाएगा कि आफ्टर फोर ईयर्स हमेशा क्या होता है आफ्टर फोर ईयर्स फरवरी हैज़ ट्वेंटी नाइन डेज इन प्लेस ऑफ ट्वेंटी एट ईयर्स तो इसको इसीलिए कहा जाता है लीप ईयर जो कि हर चार साल के बाद आता है क्योंकि जब सिक्स ईयर्स रिमेन रह जाते हैं तो उसको हम उसमें ऐड नहीं करते लेकिन six, 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 तो फोर टाइम जब सिक्स हो जाता है तो कितना हो जाता है ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन डेज ओके तो ट्वेंटी फोर जो है वो एक दिन के बराबर मार माना जाता है इसी वजह से क्या होता है एवरी फोर ईयर्स के बाद फरवरी हैज़ ट्वेंटी नाइन डेज इन प्लेस ऑफ ट्वेंटी एट डेज मतलब अट्ठाइस दिन के बजाय फरवरी में चार साल के बाद उनतीस डेज जो हैं वो आते हैं वी कॉल दैट ईयर लीप ईयर और उस साल को हम क्या बोलते हैं लीप ईयर और लीप ईयर हमेशा फोर ईयर्स के बाद आता है ओके इट इज़ क्लियर टू यू नेक्स्ट देखिए एक्लिप्स ओके एक्लिप्स मतलब ग्रहण वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून हम कहाँ से लाइट लेते हैं सन और मून से सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड एंड शाइन ब्राइटली वाइल द मून इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ द सन तो मून का अपना लाइट नहीं है वो इल्यूमिनेट करता है विद द हेल्प ऑफ विद द लाइट ऑफ सन ओके सो इल्यूमिनेटेड पार्ट इज सीन ऑन द अर्थ ऑन डिफरेंट डेज तो इल्यूमिनेटेड पार्ट जो है ना उसका वो हमें डिफरेंट डिफरेंट डेज पे अर्थ में सीन हम करते हैं ना कभी फुल मून होता है कभी हम देखते हैं कि मून जो है बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है उसकी शेप्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम देखते हैं एंड ओकेजन बैंड मून आर सन सीम टू कम्प्लीटली आर पार्शली डिसअपेयरिंग बिकॉज ऑफ दैम इज पासिंग बिटवीन द अदर एंड द अर्थ इन सच सिचुएशन इक्लिप्स ओके एंड ओकेजन जब हम सन को या फिर मून को हम क्या करते हैं कंप्लीटली आर पार्शली मतलब हमें लगता है कि वो पूरा डिसअपेयर हो गया है या फिर थोड़ा सा डिसअपेयर हुआ है तो बिकॉज वन ऑफ दैम इज पासिंग बिटवीन द अदर एंड द अर्थ मतलब अर्थ और उसके बीच में कुछ आ जाता है इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम उसको पूरा नहीं देख पा रहे हैं एंड इन सच सिचुएशन उस सिचुएशन को अब उस स्थिति को क्या कहा जाता है एक्लिप्स कहा जाता है ओके okay? उसे कहा जाता है ग्रहण जब हम कंप्लीटली सन को या मून को नहीं देख पाते या फिर कुछ हिस्सा है जो मतलब पार्शली डिस्पेयर मतलब कुछ हिस्सा उसका देख पाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं जब उसमें कुछ आ जाता है उसके रास्ते में कोई चीज़ आ जाती उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है एक्लिप्स ओके सो सोलर एक्लिप्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में ओके मून इज क्लोजर टू अर्थ इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ओके मून जो है वो क्या है क्लोज है अर्थ के तो वो रिवॉल्व करता है अर्थ में समाइम वायर रिवॉल्विंग इट कम बिटवीन सन एंड अर्थ ओके सो एट द टाइम द शेडो ऑफ द मून कॉन्स्टेंट सन इज नॉट विजिबल दिस इवेंट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स समटाइम्स क्या होता है वो रिवॉल्विंग करता है तो किसके रास्ते में आ जाता है सन एंड अर्थ के रास्ते में आ जाता है सन और उसके अर्थ मतलब जो कि जैसे जहाँ पर सन है जहाँ पर अर्थ है ओके okay? सन तो बहुत बड़ा है ओके okay? तो बीच में क्या आ जाता है इसके मून आ जाता है ओके okay? तो मून आ जाता है जब इसके बीच में उसकी शैडो आ जाती है तो सन इज नॉट विजिबल दिस इवेंट्स मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा हमें जो है वो सन दिखाई नहीं देता लेकिन कुछ उसका पार्ट जो है वो हमें दिखाई नहीं देता तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं सोलर एक्लिप्स एज द मून इज़ वेरी स्मॉल क्योंकि मून क्या है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू अर्थ एंड सन ओके सो सन इज़ नॉट कवर होल्स मतलब कम्पेयर टू सन इट कैन नॉट कवर होल सन मतलब वो पूरे सन को कवर नहीं कर सकता दस द एक्लिप्स कैन नॉट सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड टूगेदर तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है जब भी एक्लिप्स होता है मतलब जब भी ग्रहण होता है तो बोलते हैं कि भारत के कुछ हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा और कुछ हिस्सों में नहीं तो उसका कारण यही है कि दम जब मून उसके रास्ते में आ, मतलब मून आ जाता है उसके आगे तो मून जो है वो सन को पूरा कवर नहीं कर सकता ओके सोलर एक्लिप्स आकर ऑन मून डेज नो मून डेज मतलब सोलर एक्लिप्स जो होता है सूर्य ग्रहण कब होता है जब नो मून डेज होता है मतलब जब अमावस्या की रात होती है बट दिस इवेंट डज नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी मून डे एवरी नो मून डे ऐसा नहीं होता कि हमेशा जब भी अमावस्या होती तब ग्रहण लगता है मतलब कभी कभी जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है तब क्या होती है अमावस्या होती है ओके ये देखिए इसका पिक्चर इसमें आपको क्लियर हो जाएगा यू सी पिक्चर दिस इज सन एंड दिस इज़ ए मून एंड दिस इज अर्थ ओके तो जब हम अर्थ से सन का सन को देखेंगे तो बीच में क्या आ जाता है मून आ जाता है तो उसकी वजह से हम सन का कुछ पार्ट जो है वो नहीं देख सकते आप जहाँ पे उसका साइज देख सकते हैं सन का साइज बड़ा है तो मून uh, का साइज क्या है छोटा है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है सन का कुछ पार्ट हम नहीं देख पाते और हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स ओके ल्यूनियर एक्लिप्स ल्यूनियर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रह ओके मून गेट लाइट्स फ्रॉम सन तो मून हमेशा क्या करता है लाइट कहाँ से लेता है सन से लेता है क्योंकि सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड ओके दस इफ द रेज गोइंग टावर्ड मून जो रेज जाती हैं मून तक ओके मून आर अब बाय अर्थ वो किससे हो जाती हैं, अर्थ से देन द पार्ट मून रिमेन डार्क बीच में क्या आ जाती है अर्थ आ जाती है रोडा कर देती है उसके बीच में आकर देन द पार्ट ऑफ मून रिमेन डार्क तो जो मून का जो पार्ट है ओके okay? वो कैसा रह जाता है डार्क रह जाता है इन शेल देट मच पार्ट ऑफ अर्थ शेडो फॉल ऑन मून तो मतलब जो मून की जो शेडो है वो अर्थ पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ सकती दिस पार्ट इज नॉट विजिबल टू अर्थ विच इज कार्ड ल्यूनर एक्लिप्स जो पार्ट अर्थ पर दिखाई नहीं देता हम उसे कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स ओके सच इवेंट्स ऐसे इवेंट्स कब होते हैं ऑन फुल मून नाइट जब आ, जब क्या होती है पूर्णिमा होती है वट सच इवेंट्स डू नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी मून लाइट तो वही बताया मैंने आपको कि सूर्य ग्रह कब होता है देन द नो मून लाइट तो अमावस्या की रात को लेकिन ऐसा नहीं कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है इसी तरह से हर पूर्णिमा में आ, कभी भी ऐसा नहीं होता लेकिन जब ये क्या होता है एक ही लाइन में आ जाते हैं ना तो ये कभी कभी होता है बीच में एक ही लाइन में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है मून को आ, जो है अर्थ जो है सूर्य और मून के बीच में आ जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ल्यूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण लगता है सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर फाइव इन दिस चैप्टर दिस चैप्टर इज सो लेंथी इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम ओके डिफरेंट प्लैनेट्स ओके हाउ मैनी प्लैनेट्स इन अवर सोलर फैमिली एंड लैटिट्यूड्स लैंगीच्यूड्स एंड देन उसके बाद uh, zones of earth motion of earth and uh, how occurs day and night how occur seasons and uh, eclipse okay so i hope it is clear to you if you have any doubt you ask me in your live session okay so thank